महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान और नाटकीय घटनाक्रम के बाद 27 नवंबर महाराष्ट्र के लिए बेहद खास रही। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई और सियासी गहमा गहमी के बीच नए विधायकों ने शपथ ली और इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिन्होंने सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। ये देखिए रिपोर्ट। पृथ्वीराज दाजीसाहेब चव्हाण विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने मी राजेश अंकुशराव टोपे विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को शुरू हुआ। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी गहमा गहमी के बीच आज सुबह नए विधायकों ने शपथ ली। समारोह शुरू होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस, अशोक चव्हाण और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ले ली। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलामकर ने सभी 288 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने विधानसभा में सभी विधायकों की अगवानी की। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर सियासी तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। कहते हैं ये सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तभी तो कल तक जो अजीत पवार अपनी बहन सुप्रिया सुले से सुलह करने तक को तैयार नहीं थे, वो आज उन्हें गले लगा रहे हैं। एनसीपी को छोड़ बीजेपी के साथ जाने वाले अजीत पवार एक बार फिर शरद पवार के खेमे में आ गए हैं। भाई वापस आया तो बहन का चेहरा भी खिल गया। सारे गिले शिकवों को दरकिनार कर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उनका स्वागत किया। सुप्रिया का कहना है कि जिंदगी में कुछ खट्टा मीठा चलता रहता है, ये उनका ही घर है, ऐसे में स्वागत करने जैसी कोई बात नहीं। बात भी सही है, शाम का भूला अगर सुबह घर लौट आए तो उसे भूला थोड़ी ना कहा जाएगा। यूं तो आपने बीते दिनों कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे साथ नजर आ रहे थे। पिछले दिनों से पवार और ठाकरे परिवार की बढ़ती नजदीकियां भी सियासी गलियारों की सुर्खियां बटोर रही थी। आज जो तस्वीर सामने आई वो भी बेहद दिलचस्प थी। जैसे ही आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले का आमना सामना हुआ तो सुप्रिया ने आदित्य को आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई। आगे बढ़कर उन्होंने आदित्य को गले लगाया। सुप्रिया और आदित्य की ये तस्वीरें पवार और ठाकरे परिवार के मजबूत होते रिश्तों की गवाही दे रही। महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। महाराष्ट्र में नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधान भवन के सत्र की शुरुआत हुई तो एक के बाद एक दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। सुप्रिया ने न महज एनसीपी सदस्यों का बल्कि दूसरी पार्टियों के सदस्यों का भी स्वागत किया। इस दौरान सबसे रोचक पल तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के गेट पर पहुंचे। यहां सुप्रिया सुले ने उनका भी स्वागत किया और हाथ मिलाकर शुभकामना दी। जाहिर है ये सियासत है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं होता, ना दोस्त ना ही दुश्मन। तभी तो कभी एनडीए का अटूट हिस्सा मानी जाने वाली शिवसेना आज बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस और एनसीपी के साथ गलबहियां कर रही है, और कभी जी भरकर शिवसेना को कोसने वाली कांग्रेस और एनसीपी बाहें फैलाकर शिवसेना का स्वागत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।